राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर सिंधिया से मुलाकात करने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे। सिंधिया से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसका शिकार सिंधिया को भी होना पड़ा। इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 14 तारीख को कांग्रेस की महारैली की तैयारी के लिए इंदौर आया हूँ। सिंधिया ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद कांग्रेस शासित राज्य में प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार से आवश्यकता अनुसार राहत राशि भी नहीं मिल पाई है, जबकि भाजपा शासित राज्य में राहत राशि भेजी जा चुकी है। वहीं जीएसटी जैसे टैक्स की राशि भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं दिए जाने की बात कहते हुए सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को ही केंद्र से जीएसटी की राशि क्यों नहीं मिल रही है। वहीं झारखंड चुनाव की चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है, मुझे विश्वास है कि जनता बदलाव लाएगी। वहीं नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि कांग्रेस ही नहीं बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। देश के अनेक राज्यों में आप स्थिति देख सकते हैं। वहीं यूरिया पर सिंधिया ने कहा कि यूरिया की प्रदेश में बहुत कमी है, हमें यह मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया है। कांग्रेस के शासन में जब हम केंद्र में थे हम हर राज्य को यूरिया देते थे और यही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अन्ना महाराज के यहाँ कार्यक्रम है, देवास परिवार की जो का लग्न है उसमें मैं जा रहा हूँ और अनेक जगह जनसंपर्क है। इसके बाद जैसे कि कल कई तरह के आरोप लगे हो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है, किस विषय पे? भाई साहब एक बड़ी रैली कर रही है कांग्रेस के लिए, एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या मध्य प्रदेश के साथ चल रहा है? जब हमारी सरकार केंद्र में थी 70 साल के इतिहास में जितनी राशि मध्य प्रदेश को नहीं मिली उतनी राशि कांग्रेस के केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के राज्य भाजपा की सरकार को दी थी। वर्तमान में जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है 6,500 करोड़ रुपए का आवेदन हमने केंद्र सरकार को पेश किया है, बदले में केवल 1,000 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने दी। अनेक योजनाओं के लिए भी आज राशि नहीं आई। अनेक राज्यों से आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब है, महाराष्ट्र है, अनेक राज्यों से ये आवाज़ आप सुन रहे हैं कि जो जीएसटी की राशि हर क्वार्टर पे, हर तिमाह पर दी जाती है राज्यों को, उसमें भी बहुत सारी कमी बरकत की जा रही थी। जब जीएसटी लागू किया गया था तब हर राज्य को कहा गया था कि उनको सुरक्षित किया रखा जाएगा 3 साल या 5 साल के लिए और हर राज्य के लिए तय किया गया था कि ये राशि दी जाएगी। आज वो राशि भी राज्यों को नहीं मिल रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। तो जो वातावरण आज तैनात है और जो आर्थिक स्थिति है वो तो हम लोग जो इंदौर के लोग हैं हम लोग स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जो तंगी आ चुकी है, मंदी आ चुकी है, जो एक आर्थिक व्यवस्था में कठिनाई है और इन सभी मुद्दों को लेकर 14 तारीख को एक विशाल रैली दिल्ली में होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।